हनुमान जी का संकेत रामायण के जिस पात्र की ओर है उसके बिना तो राम की कहानी ही अधूरी। वो जिसने राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, वो जो इस सूर्यवंशी राम के जीवन का सूर्य है, वो राम की वो दृष्टि जिसने राम को संसार देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया, वो जिसके बिना राम अधूरा और रामायण भी। राम यदि रामायण का आधार है तो वो राम के जीवन का सार है। स्पर्श है ये मन से आत्मा का, वो है सीता। प्रेम है ये सिया राम आत्मा का, लवकुश। कदाचित तुम्हारी माता की कहानी के इस प्रसंग का पाठ तुम्हारे माता पिता के मिलन की यात्रा का आरंभ है। इन दो दिव्य आत्माओं के पुनर्मिलन का नया अध्याय आरंभ होने को है। जब जब धरती पर सीता जैसे पावन चरित्र जन्म लेते हैं, उनके आने की आवश्यकता उनसे पहले ही जन्म ले लेती है। और इन आवश्यकताओं ने जन्म लिया मिथिला में। मिथिला जहां के राजा जनक और उनकी धर्म पत्नी सुनैना प्रजा को प्रसन्न देखकर निसंतान होने का दुख भूल गए थे, जहां प्रकृति और धरती खुले हाथों से वैभव लुटाते थे। मिथिला जहां दरिद्रता और दुख केवल कहानियों में थे। फिर वो समय आया जहां प्रकृति मिथिला से रूठ गई। अकाल और महामारी मिथिला में जैसे बस गए थे। दुख और पीड़ा की कहानियां सत्य बनकर सामने आने लगी। मिथिला जो धन धान्य से परिपूर्ण था आज दाने दाने को तरसता था। जल स्रोत सूखने लगे थे। धरती मां जैसे अपनी ही संतान से पीट करके सो गई हो। जब मेरे पिता महाराज श्री दशरथ को मिथिला पर आई इस आपदा का पता चला तो उन्होंने शीघ्र मिथिला के लिए सहायता सामग्री भिजवाई। आशा करता हूं इस कठिन समय में ये सामग्री मिथिला नरेश की सहायता करेंगे। देख रही हो कौशल्य, अयोध्या के उत्तराधिकारी को अभी से ही अपने उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान है। रुको, ये राजकुमार राम का हार है, इसे महाराज जनक को दे देना। ये उनके लिए सौभाग्य लाएगा। और कहते हैं ना, सौभाग्य के लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बाधाएं आती हैं। और इस बार महाराजा जनक के लिए बाधा थी उनका पड़ोसी नरेश सुधन्वा, जो मिथिला की दुर्बलता को अवसर समझकर उसका लाभ उठाना चाहता था। उसने सहायता सामग्री को मिथिला पहुंचने से पूर्व ही लूट लिया।
मिथिला की ओर प्रस्थान करो। राजा जनक पर जो विपदा आई है, ऐसे में पड़ोसी सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? संयम रखिए, क्रम से आए, सभी को अपना अपना भाग मिलेगा। अरे जाने दो बच्चे को, छोड़ दीजिए, बच्चा है। हट जाओ, छोड़ दो उसे, हट जाओ, हट जाओ, पीछे हट जाओ, हट जाओ। उठो बेट। बहुत भूख लगी थी महाराज, मेरा पेट इतने से नहीं भरता है। मैं समझता हूँ पुत्र, और मुझे विश्वास है कि ये बिकट समय टलेगा। तो समझिए ये बिकट समय टल गया मिथिला नरेश। संकट के समय सबसे पहला संबंध जो काम आता है वो पड़ोसी का होता है राजन। इसीलिए मैं राजा सुधन्वा आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। डूबते के लिए तिनके का सहारा ही पर्याप्त होता है राजा सुधन, परंतु मिथिला के इस निकट समय में आप तो पूरी नैया ही ले आए। आपका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द तो नहीं है, परंतु विश्वास कि भविष्य में मिथिला भी कभी आपके काम आ सकेगा। वर्तमान सामने हो तो भविष्य की क्यों सोचे महाराज? उपकार चुकाने का अवसर आपके सामने है मिथिला नरेश। मैं कुछ समझा नहीं राजा। मैं समझाता हूं। राजा वो जो प्रजा और राज्य की रक्षा करे। इस भयंकर अकाल में हमने मिथिला की रक्षा की, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि अब मिथिला की बागडोर हमारे हाथों में आ जाए? राजा सुधन्वा। ना ना महाराज ना, ये समर्पण नहीं है, समर्पण नहीं है, ये संबंध है। आप मिथिला को हमारे राज्य में सम्मिलित कर दीजिए। रुक जाओ। ये सामग्री तुरंत लौटा दी जाए। हमें यह सहायता नहीं चाहिए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। पर मिथिला मेरी मातृभूमि है। माँ और मातृभूमि का व्यापार नहीं किया जाता, चाहे मूल्य प्राण ही क्यों ना हो। माँ प्राण देती है, किंतु आपकी बंजर धरती आप सबके प्राण हर रही है महाराज, इसलिए इसका त्याग करना ही आपके हित में है। ये कदाचित आपके राज्य की नीति होगी राजन, पर मिथिला में माँ अस्वस्थ हो तो उसके स्वस्थ होने की कामना की जाती है, उसका त्याग नहीं किया जाता। हमें आपकी सहायता और आपकी ये सामग्री नहीं चाहिए। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं महाराज।
और जो कुछ भी मिथिला के साथ होगा उसका कारण आप होंगे। राजा सुधन्वा, आपने पड़ोसी होने का धर्म अपने प्रकार से निभाने का प्रयास किया, अब मिथिला नरेश होने का धर्म मैं अपनी समझ से निभाऊंगा। यह मेरी प्रजा नहीं, मेरी संतान है, और माता पिता अपनी संतान का हित और अहित अच्छे से जानते हैं। आप मेरे अतिथि हैं, इस समय आपका सत्कार करने की दशा में मैं नहीं हूं, पर मुझे और मेरी संतान को किस दिशा में जाना है मैं जानता हूं। मैंने आपको एक शांतिपूर्ण प्रस्ताव दिया किंतु आप नहीं माने, कोई बात नहीं, किंतु अगली बार मैं एक विशाल सेना के साथ मिथिला आऊंगा, फिर देखता हूं। भूख और महामारी से ग्रसित यह राज्य मेरी सेना की शक्ति के सामने कैसे टिक पाता है। जब व्यक्ति निराशा के व्यूह में फंसा हो तब एक ही अस्त्र है जो आपकी रक्षा कर सकता है, आस्था और विश्वास। महाराजा जनक ने भी अकाल का सामना करने के लिए इसी महाअस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने ऋषि शतानंद के सुझाव पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मिथिला में एक महायज्ञ आरंभ किया। कैसा विचित्र संयोग है महाराज, आपके माता पिता ने संतान सुख के लिए यज्ञ किया और महाराजा जनक ने संतान रूपी प्रजा के सुख के लिए महायज्ञ किया। मेरी और सीता की मिलन गाथा हमारे जन्म से पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में यज्ञ का आयोजन करना तो अत्यंत कठिन रहा होगा ना महाराज। निसंदेह, पर तब भी महाराजा जनक ने आशा का साथ नहीं छोड़ा। महायज्ञ कई दिनों तक चला। मिथिला वासियों की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही थी और संकट के इस समय में राजा जनक के पास उपलब्ध भोजन सामग्री समाप्ति की ओर थी। आकाश जैसे करुणा में आंसू बहाना भूल चुका था, सूर्यदेव अपनी संपूर्ण प्रचंडता के साथ मिथिला पर प्रकोप बरसा रहे थे। महाराज, भंडार गृह में प्रजा को देने के लिए अन्न का एक भी दाना शेष नहीं है। शिवर, इंद्रदेव अब भी प्रसन्न नहीं हुए, अब इस महायज्ञ में कौन सी आहुति शेष है? भूमि शोधन महाराज, किसानों का तारण करने के लिए आपको स्वयं किसान बनना होगा। एक माँ के सोने के पश्चात जब संतान को भूख लगती है तो वो अपनी माँ को कोंच कर जगाती है। ये धरती माँ भी सोई हुई है महाराज, इसे आपको जगाना होगा। किंतु उसके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होगी महाराज, आप कुछ अन्न ग्रहण करेंगे तो उचित होगा महाराज। महाराज, शिवर के अपनी प्रजा के संकट को दूर कर।
लिए मुझे प्रजा की भांति ही रहना होगा। मेरी प्रजा भूखी है।